हमें एतमाद है कि हम अपने तमाम कामों को जिस तरह से कुछ उसलूबी के साथ अंजाम दे रहे हैं, हम इसी तरह से अंजाम देते रहेंगे। के सामने स्कूल है, इस बच्चे को एडमिशन फ्री मिलेगा, इस बच्चे को किताबें फ्री मिलेंगी, कोई एक रुपया भी नहीं लिया जाएगा, आप भेजेंगे इसे, वादा करते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की गलियों और बाजारों में स्टूडेंट्स और असातिज़ा लोगों को मोटिवेट करते दिखाई दिए। गलियों और बाजारों से निकलकर हज़ारों की तादाद में ये स्टूडेंट और असातिज़ा एक रैली की शक्ल इख्तियार कर गए। इस रैली की क़यादत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहतरमा नाज़िर गुल साहिबा ने की, जबकि उनका साथ महकमे के दीगर अफसरान ने भी दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी डीओ साहिबा का, जिसकी मेहनत से आज ये बच्चे इतने हुए हैं और मेरे सर्विस में ये पहली दफा जो है ना ये मौका देख रहा हूँ कि इतने बच्चे इकट्ठे हुए रैली के अंदर। रैली निकालने का मकसद ये है, जो बच्चे स्कूल में दाखिल नहीं है, जो बाहर है गैरेजों में काम कर रहे हैं, वर्कशॉप में काम है, उनके लिए ये हम मुहिम चला रहे हैं ताकि वो बच्चा कोई पढ़ाई से न रह जाए, दाखिल हो। इन बच्चों के सहूलत के लिए मुफ्त किताबें हैं और यूनिफॉर्म भी मुफ्त दिया जाएगा और हर सहूलत इनकी फ्री में है। गवर्नमेंट स्कूलों में ये बच्चे दाखिल कराए, मैं उम्मीद रखता हूँ इस यूट्यूब चैनल के जरिए मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ ताकि जो बच्चे स्कूल में दाखिल नहीं है, वालदेन से गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ाए, ये आपके बच्चे नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं और ये बच्चे पढ़ेंगे, बढ़ेगा सिंध, पढ़ेगा सिंध, बच्चा बच्चा पढ़ेगा, बच्चा बच्चा पढ़ेगा। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं और हम चाहते हैं कि ये उम्मीदें किसी तरह भी ना टूटे, ये उम्मीदें कायम और दायम रहे। हमें अपने हौसलों पर भी पूरा यकीन है और हमें एतमाद है कि हम अपने तमाम कामों को जिस तरह से कुछ उसलूबी के साथ अंजाम दे रहे हैं, हम इसी तरह से अंजाम देते रहेंगे। और अल्लामा इकबाल ने कहा है ना, वो नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ती वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साफी। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं, ये जो ड्राइव तो चल रही है हमारे हर टाउन में, हर जगह हो रही है, पूरे सिंध में हो रही है, मैडम बच्चों की तादाद भी यकीनन बढ़ रही होगी, तो जो फैसिलिटीज है उस फैसिलिटीज के हवाले से आप क्या कह रहे हैं? फैसिलिटीज यकीनन सिर्फ और सिर्फ हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में एक मसला जो हमें नजर आता है वो यही है कि कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, कहीं पीने के पानी का मसला है, कहीं वॉशरूम्स का मसला है। सबसे पहले तो ये मेरे जितने भी ये मौजूद एचएम्स हैं उनको मैं ये कहूँगी कि देखिए आपकी जिम्मेदारी है उन चीज़ों को पॉइंट आउट करना और हमें ये काम यकीनन एक एसएमसी, हमारे पास एक महदूद फंड है, हमारे जराए कम है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि उन जराए को भी हम भरपूर तरीके से उससे इस्तफादा करें। तो इसके लिए तमाम मेरे जितने भी मौजूद असातज़ाए कराम हैं और जितने भी एचएम्स हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आप पहले तो उन रिसोर्सेज से अपनी तमाम कमी को, तमाम मुश्किलात को दूर करने की कोशिश कीजिए और साथ ही आप कोशिश करें कि ये जो कम्युनिटी है ये भी एक स्टेक होल्डर है, तो हम उनको भी इन्वॉल्व करेंगे और हम चाहेंगे कि आप उनसे भी मदद लें। मैंने देखा है कि हमारे ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि मिलकर हमारे साथ काम कर रही हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं, सिर्फ वो ये देखते हैं कि अगर हमारी नियत साफ है, हम लोग काम करने में मुखलिस हैं, तो वो भी हमारा साथ देते हैं। तो मैं आप लोगों से बिल्कुल ये इल्तिजा करूंगी कि आप तमाम लोगों को अपने साथ शामिल कीजिए, पेरेंट्स को भी शामिल कीजिए, कम्युनिटी में जो मुख्तलिफ लोग हैं उनको भी शामिल कीजिए और कोशिश कीजिए कि जिन सहूलियात की हमारे स्कूलों में कमी है वो हम मिलजुल कर पूरा कर सकें। अच्छा व्यूअर्स देखें, माशाल्लाह मैडम बहुत एक्टिव है, इस वक्त जितने भी अफसरान हैं वो माशाल्लाह से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और जो बातें कह रहे हैं उस पर पूरा अमल भी कर रहे हैं। वो एक शेर है, जिद्द पे हम से बात बनती है, कोशिशों से हयात बनती है, बात करने से कुछ नहीं बनता, काम करने से बात बनती है, और हमें इस वक्त महकमा तालीम में लोग काम करते हुए नजर भी आ रहे हैं, मजबूरी है। तो सर आप कोशिश करें ना, आप वादा करें कि इस बच्चे को आप दोपहर में भेजें यहाँ पर, सुबह में यहाँ पर आ जाए आपके पास। तो मैंने पहले इसके वालिदैन से यही कहा था कि इसको आप पढ़ाएं। आपने एक काम करना, आपने वादा करना है इस बच्चे को अपना बेटा समझना है, आपने इनके पेरेंट्स को मुतमईन करना है कि इस बच्चे को दोपहर की शिफ्ट में, सुबह ये आए बच्चा काम करें यहाँ पर और दोपहर में हमारे पास आए पढ़े और उसके बाद फिर दोबारा आपको ज्वाइन कर ले। उम्मीद है कि स्कूल में जाएगा इंशाल्लाह ताला, यही लोग जब हमारे नीचे तबके के लोग ऊपर आएंगे तो ये सारे सिस्टम को सही करने का बाइस बनेगा। आप वादा करते हैं कि आप इनके पेरेंट्स को मुतमईन करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है और ये इसको नहीं, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, तो नहीं पढ़ रहे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास वसाइल नहीं है, वो तालीम से महरूम है, तालीम अगर ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे
इन्हीं लोगों ने इस मुल्क को संभाला। चलें, बहुत शुक्रिया। अब आपकी जिम्मेदारी है इस पूरी गली में, क्योंकि मुझे बड़े माकूल बंदे लगे हैं आप, आपकी जिम्मेदारी है, आपने तमाम लोगों को मोटिवेट करना है। तब्दीली तो आ रही है व्यूअर्स, तब्दीली आ रही है, उसकी बड़ी मिसाल ये है कि यहाँ पर बच्चे भी निकले हैं, असाज़ा भी निकले हैं, और आवाम को मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है कि अपने बच्चों को हमारे पास भेजें, क्योंकि पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध, तालीम को आम करना है, बच्चा बच्चा पढ़ेगा सिंध आगे बढ़ेगा। हमने इन बच्चों को इन दुकानों से निकाल कर स्कूलों में ले जाना है, ताकि ये बच्चे तालीम याफ्ता हो जाएं और अपने मुल्क को संवारने का बाइस बने। आप वादा करते हैं कि आप बच्चे को स्कूल भेजेंगे? देखिए, भेजें, ये मुस्तकबिल है हमारा ना, आप मेहनत करें, आपका सरमाया है, अगर कुछ पढ़ लिख जाएगा तो बड़ा ऑफिसर बन जाएगा, बाकी आप तालीम से मुतमईन है। ये सामने स्कूल है, इस बच्चे को एडमिशन फ्री मिलेगा, इस बच्चे को किताबें फ्री मिलेंगी, कोई एक रुपया भी नहीं लिया जाएगा, आप भेजेंगे इसे, वादा करते हैं? बहुत शुक्रिया।